सभी बच्चों को नमस्कार आज हम आपके सी बी एस सी के जो सैंपल पेपर्स हैं एक सैम्पल पेपर उन्होंने फ़र्स्ट रिलीज़ किया था और उसके बाद जो है उन्होंने एक प्रैक्टिस पेपर और एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर तो इन तीनों सैम्पल पेपर्स के हम आज सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है इनमें से कुछ क्वेश्चन आने के तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं और एक जगह आपको तीनों सैम्पल पेपर्स के टोटल सिक्सटी क्वेश्चन मिल जाएंगे सबसे पहले सैम्पल पेपर फर्स्ट का हम जो सबसे पहले रिलीज हुआ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अव रिएक्शन नाउ यू कैन सी इन द रिएक्शन क्या हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब्स नीचे जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट है तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है

और कॉपर सल्फ़ेट सोल्यूशन को जब आपस में रिएक्ट किया जाता है तो इसके अंदर इनिशियली तो कलर आएगा थोड़ा सा ब्लूइश कलर रहता है लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कॉपर सल्फेट का खुद का ब्लू कलर है लेकिन बाद में वो कलरलेस हो जाएगा सो द ऑप्शन बी विल बी द आंसर माइल्ड नॉन करसिव बेसिक सॉल्ट मतलब जिसका ज़्यादा इफेक्ट ना हो माइल्ड समझ रहे होंगे आप माइल्ड बेसिक तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम क्लोराइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन सब का अगर हम पीएच देखें तो एज कम्पेयर टू सोडियम बाई कार्बोनेट इन सब का पी जो है इनसे कम है एज कम्पेयर टू सोडियम बाई कार्बोनेट इनका पी जो है ज़्यादा है मतलब टूवर्ड्स द फोटीन है और जो जितना ज़्यादा फोर्टीन के पास होगा वो ज़्यादा कॉरेसिव इन नेचर होगा माइल्ड है तो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट डी ऑप्शन ऑन एडिंग डाइल्यूड सल्फरिक एसिड टू एट एसट्यूब कंटेनिंग ए मेटल एक्स ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड वर्निंग मेस्टेक इज ब्रॉट नियर इट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर मेटल एक्स तो यहाँ पे कलरलेस गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो है हमारी इसमें तो सोडियम को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम इज़ रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी तो यहाँ पे जो है बर्निंग मैच स्टिक जब उसके पास में लेके आएंगे तो कैसी साउंड आएगी पॉप साउंड आएगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एन ए टू ओ होता है तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को करेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए सोडियम आयन के सामने दो लिखा होना चाहिए और ऑक्सीजन जो है सिंगल होगा हमारा तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन जो है हमारी उसके अंदर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एन एलिमेंट विद अटोमिक नंबर डैश विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाने वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे जिनके मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं तो अगर मैं सेवन को देख रहा हूँ तो आउटर मोशल में फाइव है आउटर मोशल में सेवन है बी के अंदर फोर है सी के अंदर एंड डी के अंदर वन है तो डी विल बी द आंसर एन एलिमेंट एम हैज़ फिफ्टी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन सेकेंड शेल द एटोमिक नंबर ऑफ एम इज़ नो एक एम मेटल है अब ये एक्चुअली अगर हम देखें कि ये शेल फिलिंग की बात जो आ रही है ये हो सकता है कि पहले रिलीज़ किया गया था पेपर तो इस वजह से जो है इसके अंदर क्योंकि हमारा पीडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस बार नहीं है तो ये क्वेश्चन ना भी आए लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं कि एक एलिमेंट एम है फिफ्टी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन थर्ड शेल एज इन सेकेंड शेल सो द एटॉमिक नंबर बताना है एम का तो यहाँ पे सेवन्थ का आंसर हमारा हो जाएगा फोटीन फिफ्टीन परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन थर्ड शेल एंड एज इन द सेकेंड शेल पचास पचास परसेंट उसमें भरे हुए हैं तो फोर्टीन के अंदर आप जब फॉर्मूला इसको करोगे तो टू एट और फोर तो सेकेंड सेल के फिफ्टी परसेंट फोर हो गए सेकेंड सेल में एट है और हमारे थर्ड सेल में फोर है क्वेश्चन नंबर एट जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ डन आउटसाइड द बॉडी तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल डाइजेशन की बात करनी है एक्सटर्नल डाइजेशन हमें पता है कि सेप्रोफाइटिक प्लांट इज़ मशरूम इसके अंदर होता है तो बी ऑप्शन हो गया रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन टेस्ट में होते हैं आपके तो वो आंसर हो जाएगा टंग फार्मर वॉन्ट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन इस फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पज तो हमें पता है कि जितने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैथड्स होते हैं उसमें ट्रू कॉपी बन जाती है और बनाना के अंदर भी हम वही फॉलो करेंगे सो सी विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवंथ

हैवी एक्सरसाइज दिस हैपन ड्यू टू मस्कुलर क्लाइम्प्स हमें पता है क्यों आते हैं कि जब टिश्यूज़ के पास में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ लेटिकसिड तो स्थिति विल भी द ऑप्शन एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिररर इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड तो एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने कॉन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया और उसकी इमेज जो है हमारी कहाँ बनेगी डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिररर

एंड सी विल बी द आंसर इन नाइनटीन एटी सेवन एग्रीमेंट वॉज फॉमुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनिप टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रीवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई एक्स एन वाई तो हमें पता है कि भाई क्लोरोफ्लोरोबंस की डिप्लीशन का रोकने के लिए कहा गया था ताकि ओजोन हमारी बची रहे तो फिफ्टीन का आंसर हो जाएगा सी विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेबल सब्सटेंसेज जो चीज़ें अपने आप डिग्रेड हो जाती हैं सो so, Broken down by biological process remain inert, processed in for a long time, and may harm the ecosystem. So broken down by biological process biodegradable substances can be. Now we come to the assertion region question 17th. Rusting of iron is endothermic in nature. And as the is slow, reaction sorry, as the reaction is slow, the release of heat is barely evident. तो रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथामिक क्योंकि हमें कभी भी आयरन को जंक लगाने के लिए हीट देनी पड़ती दैट मीन्स द असर्शन इज रोंग एंड द यू कैन से डी ऑप्शन विल बी देयर ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू क्वेश्चन नंबर एटीन असर्शन प्रोबर्लिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्शुअली प्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू ए सेक्शुअली वेरिएशन प्रोवाइड्स एडवांटेज टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल ना प्रोबर्टी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गन थ्रू सेक्शुअल प्रोडक्शन इज मोर देन देट ऑफ द यह हमें पता है कि सेक्शुअल प्रोडक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल एज कंपेयर टू ए सेक्शुअल एंड वेरिएशन भी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सेक्चुअल प्रोडक्शन के थ्रू ही आता है सो बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो इट विल बी द ए ऑप्शन फॉर दैट ए कंपल नीडल इज़ प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस नीडल डिक्रीज एन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज़ इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीटफी एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज इन द इनक्रीजिंग करंट सो वैन ए कंपास नीडल इज़ प्लेस नीयर ए करंट कैरिंग वायर द डिफ्लैक्शन ऑफ द कंपासिक्रीज वन मैगनीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर सो दिस इज़ नॉट द केस सिर्फ कंपास नीडल हमारी क्या करती है वो डिफ्लैक्शन शो करती है वन द स्विच इज ऑन एंड स्विच इज ऑफ उसका डिफ्लैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज से कोई रिलेशन नहीं है सोशन इज़ रॉन्ग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ओन द इंक्रीजिंग कर हाँ ये जरूर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करेंट सो ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट सो आंसर विल बी डी बायोडिक्रेबल सब्सटेंसेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नैचुरल रिप्लेनिशमेंट एंड इट इज़ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वर्टर टू सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट में हेल्प करते हैं एक नेचुरल रिप्लेनिशमेंट है मतलब वो नेचर के अंदर चलती रहती है लेकिन बायोडिग्रेड बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में है सो ए इज़ ट्रू एन आर इज फॉल्स सो द आंसर विल बी सी नाउ वी कम टू द सेकेंड पेपर ऑफ दिस will be this one is your additional supplementary paper जो कि सी बी एस ई ने क्योंकि इनिशियली शायद पुराने कोर्स से रिलीज कर दिया था उसको बाद में फिर उन्होंने एडिशनल सप्लीमेंट्री पेपर एक और डाला था और एक वैसे सैम्पल प्रैक्टिस पेपर तो हम सभी के करेंगे सो दिस इज द सेकेंड पार्ट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन बिट इन ए चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर दैट मीन्स वी आर जस्ट हीटिंग द कॉपर पाउडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर द अबो गिवन एक्सपेरिमेंटल डाइग्राम रेड कलर्ड कॉपर इज रिड्यूज टू ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड सो कॉपर आपको पता है रेड कलर होता है वो ब्लू ब्लैक में हो जाएगा रेड कलर कॉपर इज ऑक्साइज रेड कलर्ड कॉपर ऑक्साइड रेड कलर्ड कॉपर इज रिड्यूज टू ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड एंड रेड कलर कॉपर इज ऑक्साइज टू ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड टू तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि रेड कलर जो कॉपर है वो ऑक्साइड हो जाएगा ब्लैक कलर में लेकिन उसके जो है कॉपर ऑक्साइड टू मतलब बैलेंसी जो है टू वाला होगा ना कि वन वाला होगा द तो रेशो एक्स रेशो वाई ऑफ रिएक्टेंट आयरन एंड वाटर इन द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो यहाँ सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पर उसका फिर रेशो निकालेंगे कि आयरन और वाटर का रेशो क्या है तो हम हमारे प्रोडक्ट साइड में देखते हैं आयरन कितने हैं फ्री तो आयरन तो हम थ्री लिख देंगे उसके अंदर और वाटर में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं फोर टू जे एट तो यहाँ पे फोर लगा देंगे तो इस तरह से हमारा थ्री रेशियो फोर बन जाएगा द आंसर विल बी बी वॉशिंग सोडा इज़ हाइड्रेटेड तो इसके अंदर जो है अगर वॉशिंग सोडा इज़ हाइड्रेटेड मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर वाटर मोलिक्यूल है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस उसके अंदर जब वाटर डाल देंगे तो हाइड्रेटेड हो जाएगा वैसे वॉशिंग सोडा आपने पता ही है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू उसका फॉर्मूला होता है द मेटल एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर विथ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस बेबल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेटल एक्स हमें पता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम दो चीज़ें हैं जो वाटर के ऊपर थोड़ी देर में फ्लोट करने लग जाती हैं सो द आंसर विल बी मैग्नीशियम क्वेश्चन नंबर फाइव एक रिएक्शन दिखा रखी है इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट हाइड्रोजन इज एडिड एक्स विल बी फॉर्म एंड इफ विद द एल्कोहल इज रिएक्टेड विद हॉट कंसनट्रेटेड एस्ट्रोसो फोर एक्स विल बी फॉर्म तो दोनों केसेस में वहाँ पर हाइड्रोजन एड हो रही है यहाँ पर एक वाटर मोलिक्यूल निकलेगा तो दोनों केस में इथीन बनेगा सो द आंसर विल बी बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करक्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो नाइट्रोजन में हमारे तीन जो है रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की दोनों नाइट्रोजन को तो जब जो हमारा ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं उनके बीच में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने थ्री ऑन वन साइड एंड बाकी जो है दो दो साइड में होने चाहिए तो दो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाई द गैस एक्स एक्सप्रोड्यूज इन द सेटअप शोन अभी यहाँ पे एक गैस दिखा रखी है जिंक ग्रेन्यूल्स डायलिट सलिकेड एन प्लस एस टू एस ओ फोर तो हमें पता है कौन सी गैस निकलेगी <coughs> हाइड्रोजन गैस सो द आंसर विल बी सी बर्निंग ऑफ मैस्टिक प्रोड्यूस ए पॉप साउंड क्वेश्चन नंबर एट गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक लैंड एंड कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस एंड पेप्सिन विच एक्टिविटी विल भी एफेक्टेड इन द एब्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्ड अगर हाइड्रोक्लोरिक एक्सड नहीं होगा तो कौन सी एक्टिविटी हमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू हो रहा है डायजेशन ऑफ कार्बोड्रेट माउथ में हो जाता है डायजेशन ऑफ लिपिड्स बाइल की हेल्प से होता है डायजेशन ऑफ स्टार्स तो मेनली कौन सा होगा डायजेशन ऑफ प्रोटीन क्योंकि पेप्सिन एंजाइम एक्टिव ही नहीं हो पाएगा सो ए विल बी द ऑप्शन राजेश नोटिस दैट ए पोटेड प्लांट कैप्ट विंडो ऑफ हिज रूम शोज बेंडिंग टूवर्ड द सनलाइट दिस इज कु दिस कुड बी ड्यू टू द अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हारमोन्स प्लांट हार्मोन्स की बात हम कर रहे हैं मोर ग्रोथ इन वॉल्व वेल लिट रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन मोर ग्रोथ इन रीजन अवे फ्रॉम लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन तो ऑक्सीजन हारमोन शेडी एरिया में होता है वहाँ जो है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा और उस वजह से सेल ग्रोथ बढ़ के उसको बेंड कर देती है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज सर्टेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट विदली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस सी ऑप्शन इसके अंदर हमारा आंसर होगा ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट गिव्स हाइब्रिड टॉल पी प्लांट्स इन फर्स्ट जनरेशन वट वुड बी द जीनोटाइपिक रेशियो इन दसप्रिंग्स ऑफ द सेकंड जनरेशन इफ दिस एफन प्लांट्स वर सेल्फ पोलिनेटेड एक प्योर टॉल एंड प्योर शॉट पी प्लांट गेवन हाइब्रिड टील प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन हमें पता एफ वन के अंदर क्या मिला है तो वट वुड बी द जीनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो हमारा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही है तो सी विल बी द आंसर वन टू वन फिनोटिपिक रेशो थ्री वन ड्यूरिंग एक्जलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन जब हम बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके बीच में हो रहा है एवोल्यू ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड एलवोली ऑफ द लंग्स एंड टिश्यू फ़्लूड ब्लड एंड बॉडी टिश्यू फ्लूड एंड टिश्यू फ्लूड एंड बॉडी कैपलरीज तो लंग्स के साथ में ब्लड हमारा अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कैपलरी एक डायग्राम आपके एनसीआर ट में बल्ब -like लाइक एलवोली दिखा रखा है और उसको सराउंड कर रही है आपकी कैपलरी सो ए विल भी द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द लाइट एंटर्स फ्राम ए टू ग्लास हैविंग रिफेक्टिव इंडक्स वन पॉइंट फाइव द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लासेज रिफेक्टिव इंडक्स वन पॉइंट फाइव है तो थ्री इंटू टेन एज फोर एट डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव करेंगे तो थ्री इंटू टेन एट आ जाएगा सो बी विल बी द आंसर

height of the image it is also negative minus सेवन पॉइंट फाइव इन्वर्टेड इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका फोटीन का डी uh, ऑप्शन होगा वी पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव एन हाइट इज़ सेवन पॉइंट फाइव ये सब चीज़ें क्यों हैं क्योंकि इमेज जो है आपकी फाइव सेंटीमीटर है इसके अंदर तो कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पे इसमें जो है फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर प्लस में है कॉन्वेक्स मिरर तो यहाँ पे डी ऑप्शन बन जाएगा इफ़ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इन डाई वट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अदर ट्रॉपिक लेवल्स इट विल बी तो अगर एक ट्रॉपिक लेवल पे सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो आपको पता है कि आगे पीछे जितने भी उसमें डिपेंडेंट हैं वो सबको अफेक्ट करता है सो so, इंक्रीज इन द लोअर ट्रॉपिक लेवल जिस ट्रॉपिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म होगा उससे नीचे वालों की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी और उस पर जो डिपेंडेंट थे उनकी डिक्रीज़ कर जाएगी सो सी विल बी द आंसर द केमिकल्स दैट आर नॉन डिग्रेडेबल गेट प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेटेड एट इच ट्रॉपिक लेवल एंड देर कंसनट्रेशन इज सीन मैक्मम इन द बॉडीज ऑफ टॉफ कंज्यूमर्स दिस फिनना इज नोन एज धीरे धीरे कोई भी केमिकल जो है फूड चेन में जो बढ़ रहा है दैट इज़ नोन एज बायो मैगनीफिकेशन सो आंसर विल बी डी नाउ एसोशन कॉपर आयस माइग्रेट फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कॉपर आइंस माइग्रेट करते हैं एनोड टू द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस मेटल आइन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड आर डिपोजिटेड एज प्योर मेटल सो यहाँ पर जो है मोमेंट गलत बता रखा है सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का ए सॉरी मूवमेंट इज करेक्ट बट In the electron refining process, metal ion except electron at the anode and R deposited at pure metal region. Wrong. So, A is true but R is false. So, answer will be C. A lot of difference in the concentration of iron was observed by scientists between the fluid in xylem cells of the roots and that of the soil. Both are the difference concentration of iron was observed by scientists between the fluid in xylem cells of roots and that of the soil. Xylem cells in the root of the plant which comes in contact with the soil. एक्टिवली टेक्स अप आय तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एटीन में दोनों चीज़ें सही बता रखी हैं सो द एल बी द आंसर वन सर्किट विथ फिफ्टीन एमपेयर करंट रेटिंग इज यूज फॉर अप्लायंसेज सच एज गीजर्स एंड एयर कूलर अपलायंस विद मेटेलिक बॉडी आर कनेक्टेड टू एन अर्थ वायर विद लो रेजिस्टेंस नाउ द इन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोथ थिंग्स आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर देशन सो द बी ऑप्शन विल बी देयर ऑल किचन वेस्ट कैन नॉट फॉर्म कंपोस्ट मेटेरियल लाइक मिल्क पैकेट्स में नॉट बी बाई तो यहाँ पर भी जो है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट पर द रीज़न इज नॉट करेक्ट सो मेटेरियल लाइक सॉरी रीज़न इज एक्सप्लिंग दैट कम्पोस्ट जो है नहीं बनेगा मिल्क पैकेट्स क्योंकि प्लास्टिक होते हैं ठीक है ना तो उस लिए कैन नॉट बी फॉर्म कम्पोस्ट तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बोथ आर करेक्ट वी कम टू दर्ड पेपर this is the third paper which we will be discussed now in this this was also the additional practice paper for the session 23 24 the first question is a single displacement reaction is represented below PQ plus R so the PR and Q will be formed which of the following is true about the reactants and products now <coughs> in this A is cation स्टेबिलिटी ऑफ पी आर इज कम्पेयर टू पी क्यू टाइप ऑफ आयन आर इन प्रोडक्ट जो है अगर वो कैटाइन है ए ऑप्शन में तो पी आर जो है एज कम्पेयर टू पी क्यू विल बी मोर स्टेबल इफ बी बी ऑप्शन में कैटाइन है तो कह रहा है कि लेस स्टेबल होगा सी ऑप्शन में अगर हमारा आर एन आयन है तो मोर स्टेबल होगा एंड डी ऑप्शन में जो है एन आइन है तो लेस स्टेबल होगा ना क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है नेगेटिव आयन जो है उसके साथ कंबाइन करेगा पी के साथ में तो ये एनाइन होना चाहिए और क्योंकि जब वो रिएक्शन कर रहा है रिएक्शन हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो मोस्ट स्टेबल है सो यू कैन से दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर लिस्टेड बिलो डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिएक्शन आर ऑफ द सेम टाइप यहाँ पर अगर हम सेम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ए जी एन ओ थ्री एन एस सी एल ए जी सी एल प्लस एन एस डबल डिस्प्लेसमेंट है हमारा मैग्नीशियम प्लस एच सी एल मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन एंड सी एच फोर एंड ऑक्सीजन तो यहाँ पर बर्निंग हो रही है ऊपर जो है एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है मेटल का एस ऑप्शन के ओ एच एच टू एस ओ फोर के टू एस ओ फोर प्लस एच टू तो यहाँ पर भी डिसप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है पी के अंदर भी हो रहा था और एस के अंदर भी हो रहा था तो हमारा ये दोनों सेम टाइप है पी एन एस सो डी ऑप्शन विल बी देयर नीतू हैज टू टेस्ट्यूब्स कंटेनिंग डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बट दे आर नॉट लेबल्ड Adding which of the following solution to test tube will help her visually identify the acidic and basic solution? तो so, दो test tube एक में dilute HCl अल एक में dilute sodium hydroxide solution है। तो so, अगर वो उसमें add करती है, vinegar add करेगी तो कुछ भी नहीं होगा। baking soda अगर वो डालती है, तो हमें पता है NaHCO3 will react with sulfuric acid, carbon dioxide will be released। तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो B option will be correct। so याज़ एक्वेस्ट सोलूशन ऑफ थ्री सोल्स सोडियम एसीटेट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड इन थ्री टेस्ट्यूब द टेस्ट आर नॉट लेबल ओन जैकिंग शी फाइंड पी एच ऑफ द सोलूशन टू बी फोर पॉइंट सिक्स सेवन जीरो एंड एट पॉइंट नाइन नाउ विच ऑफ द फोलोइंग करेटली मैचिज द सोल्ट विद देर रिस्पेक्टिव पी एच थ्री सोल्स हैं सोडियम एसिटेट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड तो स्ट्रॉगेस्ट हमारा एन एस सी एल है उसके बाद में हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम एसिटेट बचे हैं हमारे तो यहाँ पे जो है पी एच सोडियम एसीटेट एन पी एच सेवन अगर हम सोडियम क्लोराइड एन पी एच एट अमोनियम क्लोराइड मान रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जैसे सिर्फ इसके अंदर हम ऑप्शंस देखें तो एक आइडेंटिफाई हम सबसे पहले कर लें सोडियम क्लोराइड है एन एस सी एल हमारा <coughs> तो एन एस सी एल जो क्योंकि हमें पता है कब प्रोड्यूस होता है हमारा एन ए सी एल यूटलाइजेशन रिएक्शन तो ऑप्शन ए एंड डी में से होगा अमोनियम <coughs> क्लोराइड हमें पता है कि वीक बेस है ंग एसिड यूज किया गया तो उसका पी एच सेवन से कम होगा तो अमोनियम क्लोराइड पी एच फोर पॉइंट एंड सोडियम एसिड एट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड तो एट पॉइंट नाइन तो डी ऑप्शन विल बी देर इन दिस केसा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉरी कैलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन

इन जिंक अंडरकोस क्लोजिन मोर इजली देन आयरन तो वो जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है सो क्यू एन आर आर करेक्ट सो डी ऑप्शन विल बी द आंसर ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाई इलेक्ट्रोलाइसिस वॉट हैपन्स इट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड अब यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है हमारी मेटल आइंस लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल एटम्स न्यूट्रल आइटम्स गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम आय न्यूट्रल मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम आय मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल बेटन सो डी ऑप्शन इज देयर

it occurs all the time due to diffusion. water enters the root due to osmosis. and at night, when the transpiration root do not take up water, the moment of water from roots to leaves is bidirectional. water enters the root due to osmosis. so the b option will be there. oxygen saturation level refers to the extent hemoglobin is bound to oxygen at, as altitude increases. the atmospheric pressure decreases. which of the following graph correctly represents the oxygen saturation level at altitude?

फर्टिलाइजेशन को बचाने के लिए इनमें से सबसे बेस्ट मेथड जो है कौन सा है सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ द फ्लोपिन ट्यूब कॉपर टी ओरल पिल्स एंड कॉन्डम्स सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट ओनली पी क्यू आर एस दैट मीन्स पी क्यू एन एस औरल पिल्स नहीं है जब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर टू प्रिवेंट बट इवन वेन ओवल्यूशन अकर्स मतलब जो है मैंसुरेशन साइकिल के अंदर जब ओवल्यूशन हो रहा है तो उसके अंदर तो आप जो है फ्लोपिन ट्यूब ब्लॉक है कॉपर टी है और कॉन्डम यही आप उसमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन इन ए कैटल हैविंग हॉर्न्स इज ए रिसेसिव ट्रेड डू नॉट हैविंग हॉर्न्स व्हेन कैटल विद हॉर्न्स आर क्रॉस विद कैटल दैट डू नॉट हैव हॉर्न्स द नंबर ऑफ ऑस्टरिंग हैव हॉर्न्स वाज इक्वल टू दोस नॉट हैविंग हॉर्न्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू कैटल हैविंग हॉर्न्स इज रिसेसिव ट्रेड टू हैविंग हॉर्न्स मतलब जिनके सींग होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेड है रिसेसिव व्हेन कैटल विद हॉर्न्स आर क्रॉस विद कैटल दैट डू नॉट हैव हॉर्न्स द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग हैविंग होम्स वॉज इक्वल टू दो नॉट हैविंग होम्स तो यहाँ पर कंडीशन बतानी है तो ये वैसे तो टेस्ट क्रोस रेशियो के हिसाब से ही बन रहा है वन पेरेंट इज हिट्रोजाइगस तो यहाँ पर जो डोमिनेट पेरेंट है वो हिट्रोजाइगस है जिसकी वजह से हमें फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं तो एच कैपिटल एच स्मॉल एच इन टू एच एच जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व

सो एनीयर बिटवीन द सेंटर ऑफ करवेचर एंड प्रिंसिपल फोकस एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्जेक्टलीट द प्रिंसि फोकस तो कौन के मीर के अंदर हमें पता है <coughs> ये छः कंडीशन है तो यहाँ पे जो है एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस होगा तभी जो है एक कंडीशन बनती, बनती है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द फेस ऑफ द मून दैट इज विजिबल टू अस कॉल्ड एंड द फेस ऑफ द मून विच इज

उसके अंदर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा ग्रोथ के लिए ओनली फॉर ग्रोथ सो फिफ्टीन का ए द एक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन सबसे पहले किसका ज़्यादा है सनलाइट तो यहाँ पे जो है ओजोन <coughs> बनाने के लिए सनलाइट की हेल्प जरूरी है तो बी ऑप्शन द थर्ड सेट एसन रीजन जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक तो यह यहाँ पे ये तो ठीक है क्योंकि हम जो है रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं बट रीज़न जो है गलत है सो सी ऑप्शन विल बी देर वेरिएशन ऑलवेज़ प्रोवाइड ए सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म एंड वेरिएशन कैन बी कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट डी एन ए कॉपिंग नाउ वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड सर्वाइवल ये जरूरी नहीं है वेरिएशन तभी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बेनिफिशियल हो एंड वेरिएशन कैन बी कोज ड्यू टू इनकरेक्ट डी एन ए कॉपिंग ये हो सकता है वेरिएशन तो ए गलत है हमारा यहाँ पे आर सही है सो डी ऑप्शन विल बी द आंसर आयरन फिलिंग फीलिंग अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अरेंज देंट्रिक लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन सही नहीं है तो बी ऑप्शन होगा